हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, दो पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल। और उनका कनेक्शन बहाल होगा, जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की बिजली दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे में बिजली। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जोड़े ऐलान ने वे पंजाब के लोगों के लिए अज कर दिए गए हैं। ऐलान जो किया गया खास करके पंजाब महिलाओं के लिए किया गया है। एक गरंटी केजरीवाल द्वारा दी गई कि पंजाब जेकर आम आदमी पार्टी सरकार आती है तो 300 यूनिट तक बिजली हर घर की माफ़ की जाएगी। इस तो अलावा यह भी गल आखी गई है कि जो पहल के बकाए ने जो सारे पहल के बिल ने उन्होंने भी माफ़ किया जाएगा। तो जे कनैक्शन कट दिए गए हैं हूँ सरकार द्वारा बिजली के मुद्दे लैके उन्होंने बहाल भी किया जाएगा। इस दे नाल ही तीसरा जो ऐलान इस दे नाल संबंधित किया गया है वह आख्या गया है कि बिजली 24 घंटे पंजाब के लोगों को दी जाएगी। इस दे नाल ही सवाल वड्डे उठ रहे हैं कि पंजाब दे विच जद वित्ती घाटा पहले ही चल रहा पंजाब दे विच जिहड़े बिजलियां कंपनियां ने उन्होंने पहले तो ही जिहड़े समझौते कर दिए गए हैं उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल द्वारा यह गल आखी गई है कि उन्होंने कोल एक जादू की छड़ी है जिसकी वरतों करके उन्होंने दिल्ली दे विच कमाल कर दिता है और हुण पंजाब दे विच भी इहो जिहा कमाल करन वाले ने। इन सवालों के जरिए उन्होंने द्वारा यह भी आख्या गया है कि जो रुजगार का मुद्दा जो कि पंजाब दे विच अहम मुद्दा रुजगार का है, क्योंकि जे आप कैप्टन सरकार की गल करिए बादल सरकार की गल करिए जो मुफ्त के ऐलान है वो बहुत किए जाते हैं पर रुजगार के मुद्दों पर बहुत घट ध्यान दिता जाता है। तो अरविंद केजरीवाल द्वारा आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा यह गल आखी गई है कि अगली बार 2 महीने तो बाद उन्होंने द्वारा एक जो ऐलान ने वो रुजगार के मुद्दों लैके किए जाएंगे, पर फिलहाल पंजाब के लोगों 2022 विधानसभा चोणों तो पहले आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा ऐलान करके जो उन्होंने सामने रखे गए हैं बिजली के मुद्दों पर अज प्रेस कॉन्फ्रेंस आखी गई सी कि उस दे चलद बिजली के न संबंधित ही वड्डे ऐलान हुण अरविंद केजरीवाल द्वारा कर दिए गए हैं। इस तो बाद हुण देखना होगा कि विरोधी पार्टियां द्वारा की प्रतिक्रिया दी जाती है, क्योंकि पहला ही जी विरोधी पार्टियां द्वारा तंज कसे जाने शुरू हो चुके सन। सुखपाल सिंह खहरा ने पहला ही एक वीडियो साझी की जिस दे विच वो आख रहे सन कि अरविंद केजरीवाल नूं दोगला आख्या जा रहा है, पर हुण जो उन्होंने ऐलान किए ने उस तो बाद हुण देखना होगा कि किस तरह विरोधी पार्टियां इस पर प्रतिक्रियावां जाहिर कर दिया ने ते पंजाब दे लोकां नूं 2022 दे विधानसभा दे विच अपने वल खिंचण दे लई जो इह तरीका आम आदमी पार्टी द्वारा अपनाया गया वह किन्ना कारगर साबित हुंदा है। सो अगे भी गलबात करदे आं विधायकां दे नाल, गलबात करदे आं कि जो ये वादे किए गए ने वह कद तक पूरे किए जाणगे ते की ये वादे सचमुच पूरे किए जाणगे जां पहलां दी तरह लारे ही रहणगे। अज ऐलान बड़े कर दिए गए हैं पर पहला भी जिम्मे कैप्टन सरकार ने वादे किए थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गरंटी दी है, गरंटी है जी पूरी की जाएगी, की लगता है कि पहला वांगू ये लारे तो नहीं निकलेंगे? देखो जी, ना तो कैप्टन ने किया, जो कैप्टन ने किया तो फिर लारे ही सी, जो बादल ने किया तो लारे ही सी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं जिन्होंने दिल्ली से पूरे करके दिखाए हैं, इतने भी पूरे करेंगे, बिल्कुल पूरे करेंगे। साडियां धीयां भैणां मातावां भैणां पंजाब दे बहुत बहुत वधाई जिन्होंने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलिया करेगी आम आदमी पार्टी सरकार बनते, और इन्हों लाता झटका बादलों 440 वोट का, तो नाले लाता कैप्टन के कांग्रसियों जिन्होंने लुट के खा लिया पंजाब। थैंक यू। आख्या गया है कि बेरोजगारी के मुद्दे से दूसरी बार ऐलान किया जाएगा, ये इस तरह क्यों है कि पहल पहला जी मुफ्त बिजली दी गई है तो जो रोजगार का मुद्दा उन दूसरे पास रखा गया? नहीं, तो बराबर ही है, रुजगार भी इंपोर्टेंट है, लेकिन बिजली सारे जान कड़ी है जी, ये नौकरी से लगे वो भी जान कड़ी है, जो बेरोजगार वो जान तो कड़ती करती है, जो नौकरी से लगे वो भी जान कड़ी है। सो बिजली बहुत वड्डा मुद्दा, रुजगार के मुद्दे से की ऐलान किए जाने, क्योंकि वो सब तो वड्डी प्रॉब्लम है पंजाब दे विच। हुण पंजाब दे विच जिहड़ा रुजगार ठेकेदार देंदे वह सरकार दिया करेगी सीधा। पंजाब में सरकार बनेगी तो तीन बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी। आज मैं 3 घोषणाएं कर रहा हूं, हमारी जो पहली गारंटी है उसमें ये 3 घोषणाएं। पहली घोषणा, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। दूसरा बड़ा ऐलान, 3 ऐलान आज मैंने बोला, 3 ऐलान, दूसरा बड़ा ऐलान, जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है, पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है,
उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े, कई कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती। 24 घंटे बिजली दी जाएगी, जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली।